नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बावजूद हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बाबरी मस्जिद का राग अलाप रहे हैं, और यही नहीं, उन्होंने तो पीएम मोदी के भूमि पूजन समारोह में जाने पर भी आपत्ति जता दी और कहा कि ये संविधान की शपथ का अपमान होगा। पीएम मोदी के अयोध्या जाने का विरोध कर रहे AIIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को अब श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से करारा जवाब दिया गया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने ओवैसी पर तंज मारते हुए कहा, ओवैसी जी, अपने घर में या अपने पास की मस्जिद में टेलीविजन पर राम मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम देखें और इस्लाम की पद्धति के अनुसार आनंद मनाएं। तो मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी संभाल रहे ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने यह भी बताया कि कोरोना वायरस की वजह से सभी राम भक्तों का अयोध्या आना संभव नहीं है, और ऐसे में भूमि पूजन समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, जिससे देश दुनिया के तमाम राम भक्त घर पर ही भूमि पूजन समारोह देख सकेंगे। चंपत राय ने यही सलाह ओवैसी को भी दी है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी का शामिल होना प्रधानमंत्री की संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने बाबरी मस्जिद को याद करते हुए कहा कि हम इस बात को नहीं भूल सकते कि बाबरी 400 सालों तक अयोध्या में खड़ी थी और 1992 में इसे शहीद कर दिया गया, और ये बात हम आने वाली हर पीढ़ी को बताएंगे।